ये देखिए बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा, धुंध ही धुंध, और देखने में कितनी सुंदर लगती है। ऐसे लगता है किसी पिक्चर की शूटिंग हो रही है, तो बहुत ही प्यारा लगता है ऐसा माहौल। बट ठंड और ठिठुरना, तो क्या बात है भाई, इस ठंड में तो बुरी हालत हो जाती है। और इन पक्षियों से सीखिए, ठंड हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, इनको चलना है, घर से बाहर निकलना है तो निकलना ही निकलना है। ये देखिए कैसे पकड़ना पकड़ाई खेल रहे हैं सुबह सुबह, कैसे दौड़ लगी हुई है इनमें। ना ही कोई ठंड का एहसास, ना ही कोई कंबल रजाई, दौड़ रहे हैं सुबह सुबह। और आज इस घोंसले में कबूतर है ही नहीं, कहाँ गया सुबह सुबह, खाना लेने गया होगा। महाराज जी उठ गए हैं, और बिस्तर का हाल देखना, ये कृष्णा जी के बिस्तर का हाल है, कभी भी अपना बिस्तर ठीक नहीं करेंगे। हाँ जी, सुबह सुबह कहाँ इतनी ठंड में, कहाँ जा रहा है, चक्कर लगाने। अच्छा, सुबह सुबह स्नाना खेलने जा रहा है, बता यार। अच्छा, तो बिस्तर नहीं ठीक करना था ऊपर, है गलत बात है कृष्णा, ये दरवाजा बंद कर, हवा आ रही है, बंद कर। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे, धीरे धीरे बोलता, सभी को बता रहा कि इतनी ठंडा बार, हाँ ठंडे हो गए, अंदर आ गया, अच्छी बात है। तो प्यारे गुरु महाराज जी ने, ये देखो अपनी चिन पे कैसे हाथ रखा हुआ, इनको कोई ठंडी नहीं लगती, ये हमारे प्यारे गुरु महाराज जी हैं। तो प्यारी फैमिली, ये है मेरे गुरु महाराज जी की थाली, मेरी गुरु महाराज जी का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई है ग्रीन वाली फलियां, बीन्स और राजमा, चाय और परांठा, और ये प्रसाद अब कितना ब्लेस्ड होने वाला है संगत जी, आप सोच नहीं सकते, बहुत सारी ब्लेसिंग आज मिलेंगी गुरु महाराज जी की। तो चलो आपको मैं दर्शन भी कराती हूँ प्यारे गुरु महाराज जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस भोग प्रसाद को गुरु जी, लंगर प्रसाद को इतना ब्लेस करो कि जो भी इसका एक भी निवाला खाए, जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाए गुरु जी उसके। ये देखिए संगत जी, कितनी गद्दी ऊपर उठी हुई है इसमें, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नीचे रखा होता है। गुरु जी की लीलाएं हैं ये छोटी छोटी, ये जो दर्शन देते हैं और सभी को देते हैं संगत जी, किसी को कैसे देते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि आंटी हमें तितली के रूप में दर्शन हुए, आंटी हमें ज्योत में गुरु जी दिखे, तो सच्ची में संगत जी दिखते हैं, गुरु जी अपना प्रमाण जरूर देते हैं। मेरे प्यारे सतगुरु जी दीन दयाल, तुसी रहंदे हो मेरे नाल, सतगुरु जी दीन दयाल, मेरे प्यारे गुरु जी दीन दयाल। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे प्यारे बहुत ही प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी। तो ये आज के दर्शन है आप सबके लिए संगत जी। कुछ ही दिनों में मैं ये चोला भी चेंज करूंगी गुरु महाराज जी का, थोड़ी बिजी हूँ, बिजी होने के कारण टाइम ही नहीं लग पा रहा बाजार से लाने का, तो जल्दी ही लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मेरी प्यारी गुरु संगत जी, मैं हो गई हूँ रेडी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और मेरी डेस्टिनेशन क्या है वो आप सब जानते हैं। जी हाँ, मेरी डेस्टिनेशन है गुरु जी,
और गुरु जी का सत्संग, और आज भी एक फैमिली में गुरु महाराज जी का सत्संग है। तो जल्दी से आपको लेके चलती हूँ, और मैंने घर के सारे कामकाज निपटा लिए हैं। और संगत जी, अगर आपको भी कोई सत्संग अटेंड करने का मौका मिलता है तो जरूर अटेंड कीजिए। जिंदगी में काम कभी भी खत्म नहीं होंगे, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी काम निपटाइए, सुबह जल्दी उठिए। वैसे मैं लेट उठती हूँ, 8:30-9 बजे उठती हूँ, लेकिन आपको समझा रही हूँ, सुबह जल्दी उठिए, नहाएं धोएं, गुरु जी का नाम लें, माता रानी का नाम लें, जहाँ जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं, जहाँ जिनको भी आप ब्लेस करते हो, सॉरी ब्लेस करते हो कह रही हूँ, जिनको भी आप मानते हो, उनके लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग लें, और अपने घर के कामकाज ख़त्म करें जल्दी। मौका मिले तो धूप जरूर सेकें, क्योंकि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा हम लोगों के शरीरों में कमी पाई जा रही है आज के दौर पर, क्योंकि हम लोग धूप सेकते ही नहीं हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सेकती संगत जी, पूरे दिन अपने रूम में पड़ी रहती हूँ, बिल्कुल ऊपर की शक्ल नहीं देखती हूँ। लेकिन आपसे मैं कह रही हूँ कि जरूर कीजिए ये सब काम, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, और अगर आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो जहाँ आपको मौका मिले गुरु महाराज जी का सत्संग अटेंड करने का, तो जरूर जाइए, मौका मत गवाइए। और अगर आप जा नहीं सकते हैं तो मेरी ये कोशिश है, जितने भी गुरु महाराज जी के सत्संग होते हैं उनकी वीडियोज बना के आप तक मैं शेयर करूँ, आप तक मैं पहुँचाऊँ, और वीडियो को देखने से भी आप ब्लेस होंगे, क्योंकि उसमें गुरु जी का नाम है, और जहाँ गुरु नाम वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। तो वो भजन भी है ना, हो जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। तो सच्ची बात है, जहाँ गुरु जी का नाम, यहाँ गुरु जी की पूजा, जहाँ गुरु जी के पाठ, जहाँ गुरु जी के शब्द, जहाँ गुरु जी के भजन, वहाँ मौजे ही मौजे। तो प्यारे गुरु महाराज जी हर एक जिंदगी में लाते हैं लॉट्स ऑफ चेंजेस, जिंदगी में लाते हैं खुशियाँ, क्या क्या बताऊँ वो क्या क्या करते हैं। इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि अगर आपको कोई सत्संग अटेंड करने का मौका मिलता है तो वो बिल्कुल भी मत गवाइए। जय गुरु जी। और मैं जल्दी से निकलती हूँ, सारी मेरी गुरु बहनें बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं मेन चौक पर। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी नीता आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी राशि आंटी, सारे बिजी हैं। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। नितिन आई बंदा, नितिन मेरी प्यारी गुरु संगत जी, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, गुरु महाराज जी का सत्संग शुरू हो गया है। प्यारे गुरु महाराज जी आकर गद्दी पे विराजमान हो गए हैं, और आते ही उन्होंने दिखाना शुरू कर दिए हैं अपने अद्भुत करिश्मे। आते ही गुब्बारा फटा है, जैसे ही गुरु महाराज जी की एंट्री हुई है घर में, ठा करके जोर से आवाज आई है। तो हमें जब ऐसा हमारे साथ जब कुछ होता है तो हमें पता है प्यारे गुरु महाराज जी अपना होने का हमें वो एहसास कराते हैं कि मेरे बच्चों मैं आ गया थोड़े कोल। और गुरु महाराज अपने बच्चों को बेहद खुश करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं समाज में। जब आप गुरु नाम की माला पहनते हो संगत जी, तो आपके जीवन में इतने बदलाव आते हैं, खुद ही बदल जाते हैं, किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं। संगत जी जो भी आपसे मिलेगा यही कहेगा, तू बहुत चेंज हो गई है। तो वो चेंजेस क्या होती है संगत जी, जो गुरु महाराज जी हमारे बीच में लाते। तो संगत जी बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं कि हमारा स्वभाव, जो जिद्दी स्वभाव कभी हुआ करता था, बदल गया होता है, बड़ा ही खुशनुमा बन गया होता है, विनम्रता आ जाती है हमारे अंदर, हम हर हाल में खुश रहते हैं। और जहां पहले कोई चीज़ ना मिलने पर उदास हो जाते थे, वहां अब इतने संभल गए हैं कि अपने मन को कैसे काबू रखना है वो हमें प्यारे गुरु महाराज ने सिखा दिया है। बस हाँ, एक ही इच्छा होती है कि गुरु चरणों में बैठे रहें, उनकी सेवा करते रहें। दे चरना दा प्यार गुरु जी मैनू रख लो सेवादार, दे चरना दा प्यार गुरु जी मैनू रख लो सेवादार, तेरे चरणों में करूँ नौकरी तेरे चरणों में, तेरे चरणों में करूं चाकरी रख लो सेवादार, दे चरना दा प्यार गुरु जी मैनू दियो चरना दा प्यार, दियो चरना दा प्यार गुरु जी मैनू रख लो सेवादार,
तो यही नौकरी चाहिए प्यारे गुरु चरणों में, और कोई चाकरी अब नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज जी अपने चरणों में हमें नतमस्तक होके आपसे मांगते हैं आपके चरणों से इस बात की भीख कि गुरु जी अपने चरणों में रखो, अंग संग रखो हमें। हमसे कोई अज्ञानता बस गलती होती है, भूल होती है, तो उसे माफ़ करना दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्र। संगत आ रही है और अपना अपना जल प्रसाद लेके तिलक लगा के बैठ रही है गुरु चरणों में, और बहुत ही मधुर मधुर भजनों की ध्वनि चल रही है, शब्द चल रहे हैं, और उन शब्दों का अर्थ जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी के खुशनुमा पल हैं, दुखनुमा पल हैं, जैसे भी पल हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखते हैं संगत जी। तो आज संगत जी गुरु जी के बड़े ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिले हैं आंखों के सामने ही। कितनी बार गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं संगत जी, कभी जोत में, कभी जोत के साथ पड़े हुए बर्तन में। तो ये देखिए संगत जी, हमें तो बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हैं गुरु जी के। गुरु जी बिल्कुल सामने साक्षात ज्योति में हमें दिख रहे थे, और जिस पीतल की जोत में जोत जगाई गई है, उस पीतल की जोत में भी गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे भाव वैसे दर्शन, जैसे आपके मन के भाव होंगे वैसे ही प्यारे गुरु महाराज जी आपको दर्शन देंगे। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना दात्या, शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना दादिया, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। तो संगत जी जितना हो सके गुरु महाराज जी का शुक्राना किया करें, और बहुत ही मैं कहती हूँ ब्लेस्ड कर रही है। यहाँ हमें गुरु जी ने बहुत बार दर्शन दिए हैं, कभी जोत में, कभी यहाँ भी अभी भी बैठ के अगर हम उस पार देखते हैं, ये जो शीशे का ग्लास सा लगा हुआ है उसमें पूरे गुरु जी दिख रहे हैं पीछे। तो सब अपने अपने वही ना दर्शन है, गुरु जी ने किसको कैसे ब्लेस करना है। तो शिवाली आंटी ने भी मुझे दिखाया, पहले मैं उस साइड बैठी थी तो वहां नजर आ रहे थे हमें, बट अब यहाँ आई है तो यहाँ नजर आ रहे हैं। तो संगत जी किस किसने दर्शन किए, किस किस को दर्शन हुए हैं, आपको हुए हैं? जय गुरु जी। और आपको भी हुए हैं, आपको क्या दर्शन हुए हैं? उनके माथे में ना मोर के दर्शन हो रहे हैं, ब्लैक कलर का। आपको भी हुए हैं? आगे ये एक सत्संग है, ब्लेसिंग ऐसे शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, इसको अपने अंदर थोड़ी हमने हाइड करना है। आपको क्या दर्शन हुए हैं? मैं जब भी आई हूँ ना तो मुझे वो शीशा है ना ये जोत का, इसमें गुरु जी ऐसे करके और दोनों तरफ से दिख रहे हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कहने का मतलब संगत जी ये है कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी हर एक को ब्लेस कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है जिनको दर्शन नहीं हो रहे तो वो ब्लेस नहीं है, आप ही बहुत ब्लेस्ड हो जो गुरु दरबार में पहुंच गए ना, जहाँ गुरु जी का इस वक्त ये जो गद्दी लगी होती है ना, ये किसी गुरु दरबार से कम नहीं होती, और साक्षात गुरु जी आते हैं, संगत जी साक्षात गुरु जी आते हैं, विराजमान होते हैं गद्दी पे और अपना होने के प्रमाण देते हैं। वो बैलून फटा था याद है स्टार्टिंग में, तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम इतना ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। ये तो साक्षात हमारे गुरु महाराज जी हैं, कितने लोगों के साथ अंग संग चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं, आपके साथ चलते हैं, तो जितनी भी संगत है सारी ब्लेस्ड है। ये मत सोचिएगा कि हमें दर्शन नहीं हो तो हम ब्लेस्ड नहीं है, वी ऑल आर ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड है वही, हम इसलिए जोर से बोल रहे हैं, जोर से हाजिरी लगानी है, वरना फिर देखना ब्लेसिंग में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। जिसको ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए उतनी जोर से बोलेगा, जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और अपने प्यारे गुरु महाराज से सब मिलकर यही अरदास करें कि गुरु जी हमें ऐसे ही सेवा देते रहना, जैसे आपको सत्संग में आने की सेवा दी है, आपको बिठा के वो सुना रहे हैं, हमें दूसरी सेवा दी है, तो गुरु जी ने सभी को कोई ना कोई सेवा दी है, तो जितना इसका प्रचार हो सके अपनी सेवा का आगे किया करो, जो भी आपके पास संगत जी सत्संग होते हैं वो शेयर किया करो। तो जित कलयुग में साक्षात महाशिव का अवतार गुरु महाराज जी ने कहा हुआ है कि मैं साक्षात आऊंगा और घर घर में मेरी जोत जगेगी, तो ऐसा ही हो रहा है। आज से अगर 6 महीने पहले देखा जाए तो जम्मू में गुरु जी को कोई जानता ही ना, बहुत कम लोग जानते थे सिटी के बाहर के, गांधीनगर वाला एरिया हो गया, नानक नगर, वहां जानते थे, पर मेन सिटी में नहीं जानते थे। और आज की डेट में हर बंदा ब्लेस है, हर घर में गुरु नाम की जोत जल रही है। और संगत जी फिर भी मैं कहूंगी गुरु जी तो हमारे यहाँ ही माँ, पहले गुरु जी उनके साथ ही है, फिर तो सबसे पहले माँ। जयकारा मेरी माँ शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। तो प्यारी आंटी जी, मैं आपका नाम नहीं जानती, निशु आंटी जी, तो आई हुई संगत का शुक्राना करें, और आप एक सत्संग हमारे साथ शेयर कर रहे थे तो वो भी आई हुई संगत को सुनाए ताकि वो और ब्लेस्ड हो। और अगर संगत जी और भी किसी के पास सत्संग हो तो शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। इधर आओ आंटी जी। अभी मेरे सामने सामने हो क्या आई हुई संगत का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का शुक्राना। और मैं अभी आपसे अभी जस्ट सत्संग शेयर करूंगी कि सुबह से इन्वर्टर हमारा यहाँ खराब था, तो अभी 5 मिनट पहले भाभी मुझे बोलते हैं कि लाइट ऑफ हो गई है। मैं ऊपर जाके देखती हूँ लाइट तो ऑफ है बिल्कुल भी, और यहाँ की लाइटें कैसे जग रही हैं मुझे समझ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला कि कैसे। मैं उनसे भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे लाइट्स जग सकती हैं। और अनीता आंटी को मैंने सुबह बोला, वो आए, मैंने कहा आंटी पता नहीं अब कैसे होगा, अगर लाइट ऑफ होगी तो बेइज्जती हो जाएगी, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं गुरु जी, सब ठीक करेंगे। बट इस टाइम जो उन्होंने चमत्कार किया है अपना और दिखाया लाइट, आज हमारे सिटी में लाइट नहीं बंद होती, अगर 12:30 के बाद बड़ी रेयर कम जाती है लाइट बंद होती है, बट मैंने जो चमत्कार देखा, मैंने बैठे बैठे शेयर किया कि लाइट कैसे अपने आप चल रही है, इनका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी मन की बातें जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते। और है किसी के पास कौन सा? अच्छा ना, हमने अपनी मम्मा के घर गद्दी लगानी थी तो आई हैं आपकी मम्मा? हाँ ये आई हैं मेरी मम्मा। अच्छा अच्छा, जय गुरु जी। उनको पड़ा है कि मैं अपने घर गद्दी लगाऊंगी। अच्छा, कब से टेलर को बोल रहे थे गद्दी लगानी है, गद्दी लगानी है, टेलर आना गानी कर रहा था। अच्छा, उसने बनाई गद्दी बट मम्मा की मन मर्जी की नहीं बनाई। रात को गुरु जी उसके सपने में आ गए टेलर के। हाँ, अच्छी फंड लगाई अपने उससे। वो टेलर ना वो शुरू से सुना
और मैं ना गद्दी लगाना चाहती थी कि मैं गद्दी लगाऊं, तो मैं टेलर को रोज कहती थी कि मैं गद्दी लगानी है, कहता हाँ मैडम जी बना दूंगा। तो उस दिन उस 2-3 दिनों में चुप होकर बैठ गई, मैंने कहा ये गद्दी नहीं बना रहा है। मैंने निशु को फोन किया, मैं निशु ये गद्दी नहीं बना रहा, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मैं गद्दी नहीं बना रहा। रात को ना उसको, वो उसको मानता है खाटू श्याम है ना, हाँ जी हाँ जी खाटू श्याम, कहते रात को 3 बजे मेरा दरवाजा किसी ना किया, वो खाटू श्याम का वो झाड़ा लेके साथ आए, पहले हमने मेरे अच्छी तरह झाड़ा किया, उसे झाड़ा किया, उसे बोला क्या वो तड़फ रही है रो रही है, तो गड्डी कर बना के देती है उसको, अच्छा बना कर दो भाषा में अपनी, हाँ उसको उसको बोला टेलर को। और सुबह सुबह 7 बजे उसका मुझे फोन आ गया, मैडम जी आप कहाँ हो, मैं घर में हूँ, आपकी गद्दी बनानी है मैंने, आपके गुरु जी आ गए थे मेरे पास, जय गुरु जी, वो मुझे गालियां दे रहे, कहते जा भी अभी उसकी गद्दी बना जाके। देखो जी तो गुरु जी सभी की ऐसे ही इच्छाएं पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये दे दो मेरे को, हाँ जी हाँ जी, मैं भी अन्नू संगत जी, जय गुरु जी, और गुरु महाराज जी की अपार कृपा से हम लोग रोज मिल सकते हैं रात को 9 बजे लाइव सेशन में। जी हाँ, कहाँ लाइव आना है आपको, तो आप लोग संगत जी ज्वाइन कीजिए वरुण मित्तल जय गुरु जी लाइव सत्संग, और रोज मिलिए अपनी अनुराधा से लाइव, और करेंगे गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बातें, मैं सुनाऊंगी आपको सत्संग, जो भी मेरे साथ रोज का सत्संग होते हैं, जो आप जैसी प्यारी संगत मेरे साथ शेयर करती है, तो वो सब आपको मिलेगा लाइव सेशन में। तो कल से मुझे ज्वाइन कीजिए रात को 9 बजे वरुण मित्तल जय गुरु जी लाइव सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे आप सबका रहेगा बेसब्री से इंतजार। जय गुरु जी।